पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान वंश में हुआ था। अपने पिता के मृत्यु के बाद महज 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक फैलाया भी था। पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू शासक भी थे। पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु के बाद जब युद्ध में ये मोहम्मद गोरी से हार जाते हैं तो उनके मृत्यु के बाद इनके पत्नी संयोगिता के साथ क्या हुआ, चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को सविस्तार से बताता हूँ। पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध में हार गए तो मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन संयोगिता और अन्य हिंदू महिलाओं को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की खबर संयोगिता को मिली तो संयोगिता अन्य हिंदू रानियों के साथ आत्मदाह करने का निर्णय लिया, लेकिन मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन संयोगिता के साथ सभी हिंदू रानियों का हरण करना चाहता था, जिसके लिए कुतुबुद्दीन किले के बाहर डेरा डाल दिया, क्योंकि किले के बाहर जमुना की नदी बहती थी जिसके कारण किले के अंदर जाना प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल था। कुतुबुद्दीन की सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि किले के बाहर एक विशाल खाई थी जिसमें जमुना नदी का पानी बहता था, साथ ही इस किले का दीवार को लांघना तोड़ना शत्रु के लिए असंभव था, इसलिए कुतुबुद्दीन काफ़ी निराश हो गया। फिर भी उसने संयोगिता को हरण करने की वापस जाने का फैसला किया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जितने भी हिंदू नागरिक गुलाम के रूप में गिरफ्तार किए गए उनकी लाशों से खाई को भर दो, और उसके बाद उन गुलामों की लाशों के ऊपर चढ़कर किले की दीवार लांघने का प्रयास किया गया। जब खाई लाशों से भर गई तो उन्हीं लाशों पर हाथियों को चढ़ा दिया गया और हाथियों ने किले के दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास किया, मगर किले पे कील लगी हुई थी जिससे हाथी टक्कर मारते तो उन पे चोट आती थी जो सही से टक्कर नहीं मार पाते थे, तो उसमें जयचंद के पुत्र धीरचंद को किले के दरवाजे में चिपका दिए जिससे हाथी धीरचंद के ऊपर टक्कर मारी और किले का दरवाज़ा टूट गया। किले के दरवाज़ा टूटने के बाद कुतुबुद्दीन जब अंदर गया तो संयोगिता सभी हिंदू रानियों के साथ आत्मदाह कर चुकी थी और वहाँ पर सिर्फ चिताओं की राख मिली, जिसे देखकर कुतुबुद्दीन हैरान हो गया। दोस्तों, ये थी पृथ्वीराज की पत्नी संयोगिता की कहानी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट पे जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।